हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनोवेटिव कुकिंग। और आज मैं आपको सिखाऊंगी बेसन और प्याज की सब्जी कैसे बनाते हैं। ये एक बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो बनाने के लिए हमें चाहिए 4 प्याज स्लाइसेस में कटा हुआ, मस्टर्ड ऑयल, बेसन, टोमेटो सॉस, नमक, सरसों, जीरा, अ पिंच ऑफ हींग, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड हल्दी पाउडर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लूंगी मैं एक पैन, गैस को हम ऑन कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल। हमारा ऑयल यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी अ पिंच ऑफ हींग। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा जीरा और बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें सरसों ऐड करेंगे। जीरा और सरसों पॉप होने लगा है, तो अब मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पे 4 प्याज लिया है और उसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है और अब मैं इसे अच्छे से स्टर कर लूंगी। ज्यादा फ्राई नहीं करना है हमें, बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। 3 मिनट के बाद प्याज का कलर हल्का चेंज होने लगा है, तो अब मैं इसमें मसाले ऐड कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा, रेड चिली पाउडर ये भी हमें बिल्कुल थोड़ा सा ही लेना है, 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, और इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा प्याज बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें बेसन ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून बेसन ऐड कर लिया है, तो अब मैं इसे अच्छे से स्टर कर लेती हूँ। अब हमें इसे स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि बेसन भी अच्छे से फ्राई हो जाए। 2 मिनट के बाद बेसन भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूंगी टोमेटो सॉस। मैं इसमें 1 टीस्पून टोमेटो सॉस ऐड कर देती हूँ और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब मैं इसमें नमक ऐड कर लेती हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और एट लास्ट अब मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ गरम मसाला पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा हमें इसमें गरम मसाला ऐड करना है, बिल्कुल अ पिंच। और अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है, तो अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली एंड अपने नेबर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।